Hey guys, how are you? I hope you all are staying safe and everyone is safe around you. If you're new here, then hi, my name is Oshi and I post videos related to makeup, skincare and lifestyle and sometimes vlogs also. तो आज की वीडियो एक ब्लॉग होने वाली है. तो आज अगर आप ये बैकग्राउंड में देखोगे, इट्स सो मेसी. अभी इस बेचारे रूम की हालत कुछ ऐसे टाइप की है, ऐसे ही फालतू सामान वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसी को हम थोड़ा डंका बनाएंगे. खलारा फैला हुआ है ना, उसको सेट करना है एंड उसी में टाइम लगेगा. बैक स्टोरी, ये जो रूम है ये मेरा किड्स रूम था, मतलब बचपन में हम लोग यहीं पे खेलते थे, दैट्स वाई ये स्टार्स वगैरह यहाँ पे है. तो ये अब काफ़ी यूज में नहीं आता है, इज जस्ट कि ऐसे ही इसको सामान डाल दिया, स्टोर रूम बना दिया है. बट इट्स अ वेरी नाइस रूम, तो आई थॉट कि इसको हम थोड़ा सा डंका करते हैं. तो ज़्यादा मेकओवर तो नहीं होगा बिकॉज ऑलमोस्ट पेंट एंड एवरीथिंग इज डन. इज जस्ट कि जो ये सामान है ये सब सारा सेट करना है, तो वही करेंगे एंड देन आई विल शेयर द फाइनल लुक ऑफ दिस रूम. अरे मैं ना सफाई करी थी तो मुझे ये मिला. तो आपको अगर याद होगा, पहले ना ऐसे डायरी हुआ करती थी जिसपे हम लोग सारा फ़ोन नंबर्स एड्रेसेस वगैरह लिखते थे, मतलब लैंडलाइन के ज़माने का टाइम था. सो वी आर 90s किड एंड वी हैव सीन द ट्रांजेक्शन फ्रॉम लैंडलाइन टू स्मार्टफोन एंड देन टच फोन्स एंड देन एवरीथिंग. बट ये वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप है, इट्स रिटन जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे. ये भी हुआ करता था ना, अगर आप लोगों को याद होगा, जब पहले बहुत ज़माने में लाइट जाती थी एंड यहाँ पे वो गैस मेंटर लगता था एंड यहाँ से हम ऑन ऑफ करते थे. तो आई गेस इस रूम में आके ना बहुत ज़्यादा वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही है. बट अगर पुरानी चीज़ों की बात हो रही है तो हम इस टीवी को कैसे भूल सकते थे. ये एक टीवी तो बहुत फेमस होते थे तब के टाइम पे, अब तो वी हैव लाइक LED LCDs, बट ये भी था. तो इट्स ऑल्सो लाइक ए ओल्ड स्कूल, यहाँ पे इसके ये बटन्स हुआ करते थे. ये ट्रॉली भी हुआ करती थी, जिस ट्रॉली में वैसे बुक्स वगैरह पड़ी हुई है हमारी 11th 12th की, या जो भी है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रखी होगी. तो इसको भी देखना है, इसको भी एडजस्ट करना है. ट्वेल्थ वालों कुछ याद आया, दिस इज फिजिक्स की बुक. अरे बाप रे बाप, मेरे को तो डर लगता है कि हम लोगों ने इतनी मोटी बुक पढ़ कैसे ली. अरे इसलिए हम लोग कैसे पढ़ लेते थे यार. ये जो ये चैप्टर था ना, इलेक्ट्रिसिटी, आई नेवर अंडरस्टूड ओम लॉ, ये क्रिस्टोफर्स लॉ, रेजिस्टेंस, अरे बब्बा क्या क्या कैपेसिटर एंड एवरीथिंग. मैं तो अभी सोचती हूँ ना, मुझे वैसे कुछ भी याद नहीं है अभी, टू बी वेरी फ्रैंक, बस हल्का फुल्का सा याद है. एंड इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितनी पढ़ाई करी अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है. थैंक गॉड हमारा 12th खत्म हो गया. ऑल द बेस्ट जो लोग 12th में हैं, 11th 12th में हैं एंड जो आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, यू हैट्स ऑफ, इन्जॉय. अरे जब मैं सफाई कर रही थी तो मेरे को ये भी मिल गया, ये कैरम बोर्ड है. लाइक अभी तो हम लोग लूडो वगैरह ऑनलाइन प्ले करते हैं, बट ये बहुत पुराने ज़माने का कैरम बोर्ड है. इसको मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए हैं मेरे यहाँ पे पड़े हुए. इसकी गिप्पियाँ तो नहीं मिली, पर ये है. साफ हो गया एकदम, हमने चकाचक कर दिया है सारा. इसमें गंद बंद थी, सारी खिड़कियाँ वगैरह, एवरीथिंग इज क्लीन. और जो उस पर कर्टन्स वगैरह लगे थे वो भी धुलने को डाल. सो इट इज़ डे नंबर 3. मतलब जब मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, जो अपने इनिशियल क्लिपिंग देखी थी वो डे नंबर 1 की थी, एंड नाउ इट्स डे नंबर 3. तो पहले 2 दिन तो बस सफाई में एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगा. सारा जो टाइम यूटिलाइजेशन हुई थी वो हुई थी इस सामान को अरेंज करने में, बिकॉज आधा सामान फेंकना था, आधा सामान फिगर आउट करना था कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए. तो ऑलमोस्ट ये रूम खाली हो चुका है, हमने सारा सामान फेंक दिया एक्सेप्ट फॉर 1-2 चीज़ें. तो अभी यहाँ पे ये वाला बेड रखा है जो उससे हमें फेंकना नहीं है. तो ये वाला बेड है, अब इसमें ये बहुत पुराने टाइप का बेड है. नाउ यू कैन नॉट सी कि ऐसे टाइप के बेड होते भी हैं, तो मैंने तो नहीं देखे. आई हैवंट इवन सीन यूजिंग दिस बेड इन माय ओन हाउस. तो चलो जो भी है, अब ये है, अब इसको ही तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा अब इसके लिए. तो ये है बेड जो हमने डिस्कार्ड नहीं करा, एंड ये गद्दा हमारे पास नीचे कहीं पड़ा हुआ था तो हमने ये गद्दा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया.
तो ये रहे कर्टन जिनको वॉश करके मैंने लगा दिए। ये पुराने ही थे, पहले ही थे इस रूम में जिस मैंने इनको वॉश करा है। ये कर्टन्स मुझे बहुत पसंद है बिकॉज पहले तो ये वाइट है, बहुत ही लाइट वेट है एंड जो रोशनी है वो ब्लॉक नहीं करते। एंड इसमें प्यारे से ये फ्लावर प्रिंट्स बने हुए हैं और लीव्स बने हुए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और इस कलर के जो इस रूम का जो थीम है उसके साथ मैच करता है। प्रॉबेबली वी विल बी गोइंग टू स्टोर 99। इन केस आप लोग जम्मू में रहते हो तो देन यू नो दैट वे मॉल में स्टोर 99 है, और इन केस आपके यहाँ पे भी स्टोर 99 और 100 रुपीज़ वाला स्टोर होगा, तो वैसे तो सिर्फ नाम का 99 स्टोर होता है, उसमें कुछ 100 रुपीज़ का मिलता नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे बहुत सारी वराइटीज़ होंगी। तो वी विल गो देयर एंड वी विल फिगर आउट कि हमें इस रूम के लिए क्या चाहिए। ज़्यादा सामान नहीं लेना है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हल्का फुल्का जो मेरे माइंड में है वो लेंगे एंड देन आई विल मीट यू डायरेक्टली वहाँ पे शॉपिंग वाले एरिया में। ऐसी तो मेरे को ना रूम के लिए दो गद्दे चाहिए थे बिकॉज जो बेड था वो सिंगल था, तो सिंगल बेड जब लगाते थे तो बहुत सारी स्पेस रूम में रहती थी, तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे दो गद्दे चाहिए थे जो कि मैंने यहाँ पे एक लोकल स्टोर से ले लिए थे। ये दोनों गद्दे यहाँ परफेक्टली फिट आए हैं, तो इसके यहाँ पे हम डालेंगे ये विच इज अ कारपेट। अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ऐसा सा कुछ ये कारपेट है, इसके हम ये पूरा एरिया कवर करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। मुझे चाहिए थी वो मैंने इसमें रख दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया लुक्स लाइक। यहाँ पे नीचे है इस पर कालीन बिछाया है, हेयर इज द सिंगल बेड, इसको मैंने कुशन से और बेडशीट से कवर करा है। यहाँ मैंने कालीन यूज़ करा है विद दो पिलोज एंड दिस माई क्यूट लिटिल बडी, इसका नाम गोलू है, सो ही इज हेयर एंड देन वी हैव दिस फेरी लाइट्स। इस वाले वॉल पे मेरी सारी फोटोज लगी हुई है, इस वाले वॉल पे मिरर है एंड देन वी हैव स्टडी टेबल ओवर दिस साइड, एंड अगर हम इसको टर्न अराउंड करेंगे तो यहाँ हमारे कान्हा जी की फोटो लगी है एंड देयर इज अ क्लॉक ओवर हेयर। नीचे हमारा ये फ्लावर रखा हुआ है मैंने एंड देन देयर आर सम सेंटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू रियली इंजॉयड। मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये एंटायर मेकओवर जो भी है इस रूम का कैसा लगा, और ऑल्सो पॉज द वीडियो गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट। एंड ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टे सेफ।